गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी फाइनल ईयर। आज के वीडियो में, जैसा कि पूर्व के वीडियो में अपन ने पढ़ा है, जनरल फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मास स्पेक्ट्रोस्कोप, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज अपन देखते हैं हीटरोलाइटिक क्लीवेज। इसके पहले की वीडियो में अपन ने होमोलाइटिक क्लीवेज पढ़ा था और वहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज में भी मोड फर्स्ट, मोड सेकंड और मोड थर्ड की चर्चा की थी। तो ये जो हीटरोलाइटिक क्लीवेज है, हीटरोलाइटिक क्लीवेज है, उसमें जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो हीटरोलाइटिक टाइप से होता है और वहां पर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स हीटरोलाइटिक रूप से क्लीवेज होता है बॉन्ड का और वो दोनों इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसी को यहाँ पर एक एग्जांपल से देख सकते हैं। हीटरोलाइटिक क्लीवेज में एक रिएक्शन है, रिट्रोडिलसेल्डर रिएक्शन। रिट्रोडिलसेल्डर रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, डिलसेल्डर रिएक्शन, ये उसका रिवर्स रिएक्शन होती है और ये जनरली साइक्लिक ओलेफिन्स में होती है। तो यहाँ पर जो साइक्लिक ओलेफिन्स टाइप्स जो कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स में जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो उस फ्रेगमेंटेशन जो होगा वो हीटरोलाइटिक क्लीवेज टाइप से होगा, और हीटरोलाइटिक क्लीवेज टाइप से होता है तो उसमें अपन देखते हैं कि किस तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो यहाँ पर ये साइक्लिक ओलेफिन और ये जो साइक्लिक ओलेफिन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और ये टू इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इस तरीके से मॉलिक्यूलर आयन और इस मॉलिक्यूलर आयन का फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से, तो यहाँ पर ये एल्किन और ये इस तरीके से। तो इसमें ये जो छोटा मॉलिक्यूल्स है, एथीन है, उस एथीन का एलिमिनेशन हो जाता है और ये जो एथीन है वो न्यूट्रल है। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट एक रेडिकल कैटाइन है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ही आइडेंटिफाइड होती हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज का ही डिटर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पर जो पीक है, वो पीक अपने को ये जो मॉलिक्यूल्स रेडिकल कैटाइन्स है, इस रेडिकल कैटाइन्स के अकॉर्डिंग ही प्राप्त होती है, और ये जो पीक होती है ये ही इसकी बेस पीक होती है। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आप देख रहे हो कि ये बेस पीक है और ये जो बेस पीक है वो मास जो स्पेक्ट्रा है, उस मास स्पेक्ट्रा में इसकी रिलेटिव अबंडेंस है वो 100% मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो रिट्रोडिलसेल्डर रिएक्शन है, जो कि साइक्लिक ओलेफिन्स में होता है, वो इस टाइप से होता है और इस टाइप से होकर के यहाँ पर आपने देखा होगा कि डिलसेल्डर रिएक्शन में एक टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और एक फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपस में साइक्लोएडिशन रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर साइक्लिक ओलेफिन्स बनाते हैं, और यहाँ पर उसका रिवर्स हो रहा है, साइक्लिक ओलेफिन्स है वो टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कि रेडिकल कैटाइन्स के रूप में है वो बना रहा है। तो ये एक तरीके से रिट्रोडिलसेल्डर रिएक्शन भी है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हीटरोलाइटिक क्लीवेज है, उसकी भी अपन इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट। मैकलाफर्टी जो रीअरेंजमेंट है वो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली सारे कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स में जो मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट की कंडीशन फॉलो करते हैं, उन कंपाउंड्स में फ्रेगमेंटेशन है वो मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है, और उस रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होगा तो बनने वाला जो रेडिकल कैटाइन है और जो कैटाइन है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को बेस पीक प्राप्त होती है। तो यदि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है वो मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जैसे मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट अभी लिख देंगे कि उसके जो कंडीशन है वो क्या है, उसमें गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके अंदर बीटा बॉन्ड होना चाहिए, और
और जब यहाँ पर डबल बॉन्ड है जो कार्बोनिल कंपाउंड्स भी हो सकता है, यहाँ पर ओलिफिनिक बॉन्ड्स भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी भी हो सकता है, और उसके रेफरेंस में यदि बीटा बॉन्ड है और उसके रेफरेंस में यदि गामा हाइड्रोजन है, गामा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन एटम है, तो इस तरीके के कंपाउंड्स हैं वो मैक लाफार्टी रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट्स करते हैं, मैक लाफार्टी रीअरेंजमेंट देते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक लाफार्टी रीअरेंजमेंट। तो देखिए, मैक लाफार्टी रीअरेंजमेंट की जो कंडीशन है वो यही है कि उनके अंदर जो डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ है या सी डबल बॉन्ड सी है, उसके रेफरेंस में गामा हाइड्रोजन है, वो मस्ट बी प्रेजेंट, अवश्य होना चाहिए, ठीक है। और जो गामा हाइड्रोजन है उसके साथ साथ उसमें गामा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होना चाहिए, और बीटा बॉन्ड है वो तो वहाँ पर प्रेजेंट है ही है। तो यहाँ पर मैक लाफार्टी रीअरेंजमेंट है वो यहाँ पर टू प्रोसेस को फॉलो करता है। जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें तो वो क्या करता है, वहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस में बीटा क्लीवेज होता है और बीटा क्लीवेज फॉलोड बाय गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर। तो इस तरीके का जो रीअरेंजमेंट है, ऐसे रीअरेंजमेंट को मैक लाफार्टी रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो इसको आप जनरल वे में इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैक लाफार्टी रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड। मैक लाफार्टी रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड फॉलोड बाय गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व ए सिक्स मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो मैक लाफार्टी रीअरेंजमेंट है वो सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। तो यहां पर इसके अंदर दो बातें लिख देते हैं अपन। बीटा बॉन्ड क्लीवेज और गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर। सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड। तो यहां पर ये जो आप इसको एक एग्जांपल लेंगे अपन, एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से यहां पर बीटा बॉन्ड क्लीवेज के साथ में गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। तो यहां पर आप यूं देखिए, जैसे एक एग्जांपल लें और यहां पर जो एग्जांपल है उसमें आप देखिए एक कीटोनिक कंपाउंड्स लें, ये देखिए यहां पर ये इस तरीके के कंपाउंड्स में होता है जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ हो या सी डबल बॉन्ड सी हो, ठीक है, या एरोमेटिक सिस्टम हो, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो। यहां पर ये जो सी डबल बॉन्ड ओ वाले कंपाउंड्स हैं उनमें जैसे कीटोन्स हैं, एमाइड्स हैं, एस्टर हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ठीक है, और सी मतलब अनसेचुरेटेड जो ग्रुप होना चाहिए, इसी प्रकार से नाइट्राइल्स हैं, है ना, और इसी प्रकार से एल्कीन हैं। तो ये सारे के सारे एल्कीन, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे के सारे मैक लाफार्टी रीअरेंजमेंट देते हैं यदि उनमें गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सी डबल बॉन्ड ओ आर CH2, CH2, CH2H। यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये अल्फा बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये बीटा बॉन्ड है, या यूं कहें ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन, ठीक है। और गामा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है
वो हाइड्रोजन है वो गामा हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं, आपने होमोलाइटी क्लीवेज के अंदर एस्टर है और एमाइड है, इनका जब क्लीवेज देखा था और वहाँ पर आयनाइजेशन चैम्बर में इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग से जो इलेक्ट्रॉन का एलिमिनेशन हुआ था वो आप देख रहे थे कि लोन पेयर थे वहाँ से हुआ था, है ना। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर ये लोन पेयर हैं ये, तो यहाँ पर ये जैसे टू इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे CH2H, यहाँ पर CH2 CH2, C डबल बॉन्ड O और ये R, और यहाँ से ये इस तरीके से ये पेरेंट आयन बनता है, मोलिकुलर आयन बनता है, ओके। यहाँ पर मोलिकुलर आयन में अब आगे मैकलाफर्टी जो रिअरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड है बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, तो बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो ये जैसे यहाँ पर ये यहाँ ये इस तरीके से ये यहाँ और ये इस तरीके से, तो आप देख रहे हो कि ये जो बीटा बॉन्ड है ये बीटा बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पर, और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करेगा। तो देखिए आप क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बॉन्ड तो टूट गया है, तो यहाँ पर क्या आ गया CH2, फिर यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH2, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए आप C और C, ये बॉन्ड तो टूट ही गया ना यहाँ से, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया OH, ठीक है, यहाँ पर R और यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो इसके साथ में क्या कर रहा है बॉन्डिंग कर रहा है, अब इस बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है बन गया रेडिकल कैटायन। अब जो ये तो क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है इसका तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमीटरी है उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है वो यही है और ये स्पीसीज है, तो ये स्पीसीज अपने को मैकलाफर्टी रिअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पर प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो कंपाउंड्स है इस तरीके का जो कंपाउंड है उस कंपाउंड की जो बेस पीक होगी वो बेस पीक है वो अपने को इसके अकॉर्डिंग प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ R है वो कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, कॉमन रूप से आप इसको लिख समझ रहे हैं और कॉमन रूप से ही इसको अपन लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा जैसे अभी अभी बताया कि ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये जो रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर यदि अपन इसको ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू इसको शो करें तो देखिए इसको अपन इस तरीके से शो कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये, तो यहाँ ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है सी आर, ये सिंगल बॉन्ड तो है ही है, दूसरा यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, फिर यहाँ पर CH2, यहाँ पर ये जो बीटा बॉन्ड है इस बीटा बॉन्ड का क्लीवेज हो ही रहा है यहाँ से, उसके बाद में ये क्या है CH2, उसके बाद में ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ही, ये डबल बॉन्ड का यहाँ पर क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है CH2 है, उसके बाद में देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये टूट रहा है और यहाँ पर ये इसके साथ है वो क्या हो रहा है बन रहा है। तो आप देख रहे हो ओवरऑल जो रिएक्शन है उस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर 6 मेंबर्ड 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और जनरली आप जानते हो कि जब 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट
बनती है या फाइव मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उसकी स्टेबिलिटी है वो थ्री और फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है और इस कारण से ये इस तरीके का मैकलाफाटी जो रीअरेंजमेंट है वो इजीली पॉसिबल होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर आगे अपन और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे क्योंकि मैकलाफाटी रीअरेंजमेंट है वो एक बड़ा टॉपिक है। तो इसका जो डबल मैकलाफाटी रीअरेंजमेंट अलग अलग कंपाउंड्स जैसे पेंटिन में कैसे होती है, नाइट्राइल्स में कैसे होती है, एस्टर में कैसे होती है, एल्कीन में कैसे होती है, ये सारे अपन अलग अलग एग्जाम्पल से ये इसको समझ सकते हैं। परंतु इसकी जो खास बात है वो यही है कि इसमें एक तो गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए जैसे अल्फा बीटा और गामा, तो गामा कार्बन के ऊपर यहाँ पर कम से कम एक हाइड्रोजन एटम है वो प्रेजेंट होना चाहिए। यदि गामा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर मैकलाफाटी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा यह है कि जो मैकलाफाटी रीअरेंजमेंट है वो टू प्रोसेस को होता है जिसमें यहाँ पर फर्स्ट में क्लीवेज ऑफ द बीटा बॉन्ड है और सेकंड में जो है वो है गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर। तो यहाँ पर पहले बीटा बॉन्ड है उसका क्लीवेज होगा और उसके बाद में यहाँ पर गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से अपन यूँ कह सकते हैं कि जो मैकलाफाटी रीअरेंजमेंट है वो किस तरीके से कंप्लीट होगा। तो इसी के आगे बढ़ाते हुए अपन और देखते हैं इसके अंदर, ये तो हो गया कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट हो उसके लिए अपन इस तरीके का एग्जांपल है वो अप्लाई करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको ये करेंगे। इसके आगे देखिए नेक्स्ट यदि यहाँ पर पेंटीन ले लें, यहाँ पर जैसे क्या है सी डबल बॉन्ड ओ, अब यदि यहाँ पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं तो आर की जगह यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा ओ एच जुड़ जाएगा, और यदि इस तरीके से और ले रहे हैं आप है ना एमाइड ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये मैकलाफाटी रीअरेंजमेंट होगा। यदि यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले वो अपन ले पेंटीन का, पेंटीन के एग्जांपल में आप देखते हैं कि इसके अंदर अपन देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा एल्किन लें जिसके अंदर यहाँ पर ये इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके अंदर यहाँ पर गामा हाइड्रोजन है और गामा हाइड्रोजन है तो इसका आप जनरली फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और टू इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर सी एच टू एच सी एच टू सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू यह इस तरीके से, और फिर इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा तो ये तो कौन सा बॉन्ड है अल्फा बॉन्ड, ये कौन सा है बीटा बॉन्ड और ये कौन सा है गामा हाइड्रोजन। तो बीटा बॉन्ड के क्लीवेज के साथ साथ यहाँ पर गामा हाइड्रोजन का क्या होता है ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये यहाँ पर ये इस तरीके से और ये यहाँ पर और ये इस तरीके से, तो यहाँ पर इसमें सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो है जो पेंटीन है उस पेंटीन का यदि आप मैकलाफाटी रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो अपने को जो कंपाउंड्स प्राप्त होता है वो ये प्राप्त होगा जिसको अपन क्या कहते हैं रेडिकल कैटाइन, और ये जो रेडिकल कैटाइन है वो इस रेडिकल कैटाइन के कारण से ही अपने को मास स्पेक्ट्रा में बेस पीक प्राप्त होती है, या यूं कहें कि इसी की अपने को बेस पीक प्राप्त होती है। तो आप जान रहे हो कि मैकलाफाटी रीअरेंजमेंट के द्वारा जो रेडिकल कैटाइन बनते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, और जब मोर स्टेबल होते हैं तो फिर उनके द्वारा जो उनके द्वारा ही अपने को बेस पीक प्राप्त होती है।
तो इस तरीके से आप वन पेंटिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कीटोन का ले सकते हैं, एस्टर का ले सकते हैं, और इस एग्जाम्पल्स के में मैक लाफार्टी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो आज के वीडियो में ये मैक लाफार्टी रीअरेंजमेंट, इनकी क्या क्या कंडीशन है, किन किन कंपाउंड्स के द्वारा ये दिया जाता है, और इसके ये दो एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके और भी एग्जाम्पल देखेंगे, और भी इसके जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हैं, जैसे डबल मैक लाफार्टी रीअरेंजमेंट हैं, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। थैंक्स।